नमस्कार दोस्तों, वार्ड नंबर 6 के बावी उम्मीदवार जीते बुपनिया का गोयला कला गांव में पहुंचने पर किया गया फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत। आपको बता दें कि गांव के मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर जीते बुपनिया का भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा जीते बुपनिया को बेसन के लड्डू व पेठे की मिठाइयों से तोला गया कि भाई जब चलती है गाड़ी उड़ती है धूल देखते है सेव खिलते है फूल, ये अलग से नहीं है, ये पूरे देवी देवता इसके ऊपर आ चुके हैं। तो जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन और पांडवों का युद्ध हुआ, जब उन्होंने ये कहा था कि इस युद्ध में जो जीतेगा उसकी विजय होगी, अर्जुन के रथ पर लाल लंगोटी वाले की ध्वजा क्यों लहरा रखी थी? इसलिए लहरा रखी थी कि जहां भी चलती है ये ध्वजा लहराती है। तो कहते हैं जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का लगता पैरा वीर हनुमान का, कि जहां इसके ऊपर भगवान की और देवी देवताओं की और थारे दिशा के आशीर्वाद से ये पता नहीं कितनी वोटों से विजय हो रहे हैं। तो जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए, इसकी माँ ने जो जन्म दिया है, इसकी माँ ने जो जन्म दिया है ये सेवा करने के लिए दिया है। और ये बिना हैंडल की साइकिल वाला जिसने की माँ ने जन्म दिया है ये तुमको नहीं बता देगा ये इसके ऊपर किसका हाथ था। कहते हैं बालाजी मेरे गुस्सा बनना गुस्सा चाहे दुनिया सारी और बाल भी बाका ना होगा जिसका मोटर धारी। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि हम आज ऐसा शुभ दिन है, ये दिवाली का शुभ दिन, पहले तो मिठाई फिर फूल किसको मिलते हैं? तकदीर वाले को मिलते हैं। पहले भी पहलवान जिया का बड़ा प्यार सम्मान काम ने बहुत रखा था भाई। उसकी मैं जब बालक था और भाई हाथ जोड़ के कदे बुढ़िया था और भाई शीर झोंका के मन कदे राम राम कण का मौका मिलया को ने। आज यो प्रताज्य है कहानी मौका है भाई, सारा का हाथ जोड़ू हूँ शीर झोंका के सारे राम राम करू भाई। सबसे बड़ी बात साफ काम का तो मैं छूको ना गोले का भैया बोपनिया की सरदारी है, गोले काम की सरदारी बैठी भाई बोपनिया काम वाला। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी भाई, परसेंटेज में मैं कल गांव में घूमया था और भैया सरदारी खड़ी है भाई गोला गांव मन ने जिसा लग है वो अपन ये गांव तक परसेंटेज में ज्यादा जीत देगा भेजेगा। और बाकी वो गोला गांव बैठे भाई एक बार सारे पता ताऊ भाई एक बार हाथ खा गए भाई ने बता दो भाई हम कह सर अपनी गांव तक मिलोगे भाई को अपनी काम की सरदारी बैठी यो वोट मांगण जीते प्रधान नहीं आ रहा भाई काम दौरे यो काम गोरे दौरे भाईचारा बपनिया काम वोट मांगण आ रहा है। ये चाचा तो बुढ़े बुजुर्ग बैठे हैं चारू कूणे के और भाई पूछ के देख लो सारा काम बैठा है भाईचारे ने संभाल लो। यो इलेक्शन भी गोले काम का है और यो कैंडिडेट भी गोले काम का है और यो लड़ना भी तम मन है सारे ने घोषणा गाजना जीते प्रदान करेगा। पर भाई एक घोषणा मैं बता दू हूं सबसे बड़ी घोषणा यह है परमात्मा यो समय लियाओ थारे आशीर्वाद है वो पढ़िए तो पहला गोले में फिरा पाओगा थारा भाई भाई तो जीते प्रदान है बाकी सारी घोषणा प्रदान कर वो पढ़िए से भी ज्यादा गोले गांव ने प्यार मिल लिया मन और मैं देख बोलना तो गढ़ा नहीं आता पर मैं अपने गांव गोले का शहर नहीं भूलूंगा और जो मेरी ड्यूटी ला दोगे जो रात में 2 बजे ला दियो खड़ा पाऊंगा जी। और काका तवा दे या हाथ जोड़ के जोड़ी पसार के वोट मांगना है जी पूरा बपनिया गांव प्रधान सारे मास्टर जी सारे पूरा गांव के लिए लाग रहा जी और भी आपने मौका दिया खड़ा जर पाऊंगा
घड़ा बोलना नहीं आता मैं हाथ जोड़ घोड़े का लिखा है मामला सारे चौधरी भी सारे बालक जवान सब पूरा गांव इकट्ठा हो जाए तो ये उम्मीद सभी भाइयों से सभी हाथ जोड़ के आए प्रार्थना है विद्यालय घोड़िया हमारी बेटी पुत्र कन्या सूरज का अब सारे भैया ने संगा ला के पेड़ पार करो तो गाँव में अपने अपने में नहीं तो भी सारे सोलह गाँव जिसकी जानकारी मजबूर आगा ला के साथ जोड़ के वोट मांगा पूरा गांव की ओर भाई साहब सही होगा तो आपने देख लिया होगा घोड़े गांव में इतना जोर है मेरा जोश है मेरे पुपड़िए से भी ज्यादा जोश है और 14 गामा में यह लहर है। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को भाइयों को बड़ी अदरिया खेलों में ये ओले हमारी जितनी भी होगी हम भैया का साथ देंगे और युवाओं का हमेशा साथ देंगे। युवा पे जो की समस्या है उसको भी हल किया जाएगा, छोटे छोटे कुटीर उद्योग वगैरह उनमें उनको एडजस्ट किया जाएगा, सारे जो भी जितनी पावर होगी उसका सही यूटिलाइज किया जाएगा। गांव ने समर्थन दिया है क्या कुछ? गांव से इतना बढ़िया रिस्पांस मिला है और वैसे भी ये गोला गांव है, ये मतलब धोखेबाज नहीं है, कमेरा रहा है हर व्यक्ति और जो कुछ जबान कर ली वो कर ली और ये दिल से साथ देंगे।